मैंने बेसिकली स्टोनर वाले जो सीन्स थे उनको छोड़ के हर जगह मारा। और शो के बाद में एक बंदा आया, उसने मुझे बोला सर मेरे पास ब्लैक विडो कुछ तो वहां पे शायद स्टफ का नाम है पुणे में, ब्लैक विडो या व्हाइट विडो पता नहीं कौन सी विडो है, बोले सर मेरे पास वो माल पड़ा है तो बता देना अभी क्या सीन है। Hello everybody, this is Priya, I'm from Team Ismaili and today I'm hanging out with them boys. Hello Abhishek, hello Vipul. Hello. Hi, hi. What's up? कैसा लग पा रहा है आपको हमारे बहुत ही गुलाबी से ऑफिस में आके? यार ऑफिस अंदर से तो बहुत कूल है, बाहर से मुझे ऐसे लगा कोई 200 साल पुरानी बिल्डिंग है जो कभी भी अर्थक्वेक में नीचे जा सकती है। बेसिकली इट लुक लाइक बवेजा हमसे सोसाइटी बेसिकली। हां बट देन ओ माय गॉड, बट अंदर से बहुत ही कूल ऑफिस है। ये थोड़ा ले लिया एरिया अपने उसमें, मतलब ऑफिस की कूलनेस से मतलब पता चलता है कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा टेस्ट है और काफ़ी अच्छा टेस्ट से पता चलता है कि मतलब गर्ल्स ज़्यादा है ऑफिस में। हाँ वो तो है क्योंकि तो इतना वेल वो है, मतलब आते ही देखा कि ओनली गर्ल्स है वहाँ, मतलब इतना प्यार से, मतलब मैं इसमें कोई सेक्सिस्ट बात नहीं कर रहा हूँ, इट्स अ वेरी compliment. Okay, so humorously yours has ended. What a great show. Congratulations, thank boys. Thank good you. Job. How was the whole, like, finally, sapna pura ho chuka hai, khud ka show? Nahi, matlab, I didn't think about it ki khud pe show banana hai. So the thing was, jo Amit Gulani director hai, aur TVF ki team, jaise main one of the writers bhi hun. So, 1.5-2 saal pehle tha ki kuch aur web series banate hai. So, jo pictures aate hai, tab startup bada ecosystem mein tha, bahut jada. और तो अभी उस समय ये था कि यार कुछ लाइव परफॉर्मर्स पे बनाते हैं, बिकॉज इंडिया में बाहर इतने सारे शोज हैं हर कॉमेडियंस के, इंडिया में कोई भी नहीं था, सो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड था, तो ऐसा था कि कुछ लाइव परफॉर्मर पे बनाते हैं, एंड देन द आइडिया धीरे धीरे आया। और फिर उसमें भी ये नहीं था कि मैं कास्ट होने वाला हूँ, और क्योंकि सो आई वॉज देयर विंडो टू द स्टैंड अप वर्ल्ड, बिकॉज टीवीएफ में एक ही स्टैंड अप कॉमेडियन है जो मैं हूँ। अच्छा। तो उस तरह तो ये था कि मेरे को राइटिंग प्रोसेस में तो इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा, क्योंकि और कोई कॉमेडियन एक साल तो नहीं देने वाला है, मैं तो दोस्त हूँ 6 साल से जानता हूँ, तो उसमें भी यह था कि गुलानी बहुत मेरिटोरियस बंदा है तो, और उसने पिक्चर्स बनाया है, तो आई डोंट थिंक वो अगर किसी भी कॉमेडियन को लीड के लिए ऑडिशन देता, ऑडिशन मांगता है, कोई भी मना नहीं करता, मतलब टीवीएफ है और गुलानी डायरेक्टर है, लाइक मतलब ये स्टारकिड वाला लॉन्च है। तो फिर धीरे धीरे मुझे रिलाइज हुआ कि मैं स्टोरी में कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। फिर मेरे को ये था कि कास्टिंग पता नहीं यार, ये ऑडिशन लेगा, और ऑडिशन लिया तो मैंने 5 साल से एक्टिंग नहीं की है, पता नहीं यार कुछ भी हो सकता है। तो मैंने धीरे धीरे किया कि मैं वो सारी स्टोरीज जो बताता था वो अपनी ही बताता था, और उसमें मैं कैरेक्टर ही बहुत देसी बना देता था कि ऐसे, हाँ कि धीरे धीरे वो स्टोरीज मेरी ही हो जाए, कि उसके बाद में ऐसे नहीं हो कि यार इसमें अब हम थोड़ा कूल और यो बंदा कास्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि स्टोरी इतनी इसने वैसे अपनी वाली ही बताई है। तो आपने बेसिकली कॉन कर लिया अपना वे इनटू बीइंग कास्ट फॉर दिस अमेजिंग शो। तो मुझे गुलानी दो मेरा सीनियर जूनियर है कॉलेज का, 1 साल जूनियर है, हमने कॉलेज में प्ले साथ में किया, लेकिन वो मुझे बहुत मेरिटोरियस बंदा लगता है, और मेरिट पे आती बात तो यार फिर दोस्ती वोस्ती सेकंड हो जाती है, और टीवी बहुत मेरिट पे काम करता है, तो मेरे को ये समझ में आ गया कि यार 1 साल कोई और कॉमेडियन इनको देगा नहीं सुबह शाम, तो मैं दूंगा। और मैंने धीरे धीरे स्टोरीज ही कैरेक्टर ऐसे बना दिया जो बहुत ही अर्दी है, हिंदी बोलता है, ये वो अपनी स्टोरीज फिट कर दी। तो जब वो सोचे कि किसको कास्ट करे, किसको बिल्कुल जैसा लग रहा है, तो मैं अपने टोन में ही बोलता था और वही डायलॉग्स भी लिखवा देता था कई बार कि इसी टोन में बोलना है, तो धीरे धीरे वो कैरेक्टर मेरा हो गया। तो फिर तब भी ये था कि अब एक्टिंग होगी या नहीं होगी, क्योंकि मैंने 5 साल पहले की थी लास्ट एक्टिंग जब अरुण आप थे, तो मेरे को कैमरा का वो सब पता था कैसे लगता है, तो वो इंटीमिडेटिंग नहीं था, बिकॉज आई न्यू द होल प्रोसेस जो मैंने किया हुआ था। तो धीरे धीरे फिर ये हुआ, फिर जब कास्टिंग चालू हुई तो ये हो गया था कि मैं ही करने वाला हूँ, क्योंकि जो स्क्रिप्ट का फर्स्ट ड्राफ्ट होता है सब में कैरेक्टर का नाम विपुल ही हो रहा था, लेकिन मुझे ये डर था यार कि अगर मैंने गंदी एक्टिंग की तो यार वो रिप्लेस विपुल विद किसी और को उतना ही चाहिए, विद एनी अदर कॉमिक, रिप्लेस विपुल विद किसी भी कॉमिक का नाम डाल दो उतना ही है मतलब। तो फिर वर्कशॉपिंग हुई, इट वॉज अ वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस, बिकॉज आई वॉज इन्वॉल्व इन द स्टोरी फॉर 8 मंथ्स, हम लोग साथ में लिखते थे 10 महीने एक्चुअली फॉर 5 एपिसोड्स, और फिर 10 दिन वर्कशॉप हुई, एक्टिंग वर्कशॉप जिसमें मैं, बीला, रसिका, हम लोग सब साथ में करते थे, प्लस निधि बिस्ट और तुषार पांडे, इन्होंने वर्कशॉप ली इन दोनों ने, और तुषार पांडे वॉज द मेन। तो उस वजह से वो बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस था, जो धीरे 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 वो जो थोड़ा सा जो मेरा फियर था वो थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ। हाँ, और मोस्ट ऑफ दैट ये था ना कि यार आपका कॉल ये रहता है कि डायरेक्टर को मिल रहा है कि नहीं जो चाहिए, एंड ड्यूरिंग द वर्कशॉप गोलू एंड द अदर हमारे जो और राइटर्स थे द्विवेदी और अनंत सिंह, देवर लाइक हाँ सही चल रहा है, सो वो दैट वाज वेरी मेरे लिए कॉन्फिडेंस बूस्टिंग था। फिर सेट पे भी 5 शुरू के दिन के बाद ऐसे हो गया था, मेरे को भी लगा कि सही कर रहा हूँ मैं, और हाँ, और सेट पे भी इन्वॉल्वड इन द राइटिंग प्रोसेस, हाउ यू हैव कम अप विद दिस ब्यूटीफुल कैरेक्टर, ये जो आई डी बॉम्बे का ही पासवर्ड है, मेटलर्जिकल है, थोड़े मतलब कॉपीराइट
दिए उसको कि क्या नहीं मतलब अभी तो सिर्फ टोकन अमाउंट ही दिया है लेकिन ओवर द इयर्स उसके भी ब्रांड बने। जो बुशी का कैरेक्टर रियल लाइफ में यू कभी एग्जिस्ट करता है, मेरा फ्रेंड है जो मेरे साथ शोज में चलता है, और एक बहुत लोग ये बोलते हैं कि बुशी फ्री लोडर है जैसे कैरेक्टर जो कम अक्रॉस आता है, तो फिर ये विपुल इसको क्यों रखता है। सो यार मैं बता दूं, एक आर्टिस्ट के लाइफ में ना कंपेनियनशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब आप शो करने जाते हो तो यू आर वेरी लोनली। आप कैब में बैठते हो, घर से एयरपोर्ट किसी से बात नहीं करते हो, सिर्फ ड्राइवर है, एयरपोर्ट पे किसी से बात नहीं करते हो, फ्लाइट में बैठते हो किसी से बात नहीं करते हो, फिर लैंड होते हो, फिर वहाँ से होटल जाते हो किसी से बात नहीं करते हो, होटल में अकेले टीवी देख रहे हो, फिर आप शो में जाते हो, वहाँ पे शो अच्छा हुआ तो ज़्यादा मिंगल नहीं करते कि हाँ भाई मैं तो स्टार हूँ ये, ठीक है, और गंदा शो हुआ तो एनी वेज आप फटाफट रूम पे खाना भी रूम पे ही खाओगे डिलीवरी पे, होम रूम डिलीवरी करके रूम सर्विस, तो फिर वापस अगले दिन आप होटल से निकलते हो, फिर वापस बैठे, फिर वापस आए, तो ड्यूरिंग द जर्नी 24 आवर्स यू जस्ट स्टक विद यू एंड योर थॉट्स। एंड बिलीव मी, कोई कितना भी पॉजिटिव बंदा हो अगर अपने थॉट्स में रहते हो तो 7 मिनट बाद में सिर्फ नेगेटिव बातें आती, अगला शो कब है, करियर कहाँ जा रहे हो, तो वो जो एक कंपेनियनशिप होती है एक आर्टिस्ट की कि यार ये मेरा फ्रेंड है जो मेरे साथ आता है अपना टाइम देके, दैट टाइम दैट कंपेनियनशिप इज प्राइसलेस, यू नो, बिकॉज दैट टेक्स ऑफ द एज एन आर्टिस्ट आपका माइंड। हाँ हाँ, तो यार हाँ सर, बुशी मेरा कॉलेज से दोस्त था, प्लस फिर बुशी ने जॉब किया, वो आईएएस की तैयारी की उसने, फिर उसका नहीं हुआ, फिर वो भी एक साल चिली मार रहा है, तो चिल मारता है तो मैं ऐसे बोलता हूँ यार मेरा एक शो है प्लीज चलेगा क्या, तो थोड़ा सा मुझे उसको मनाना पड़ता है प्लीज चल रहे, तो इक्वेशन बहुत उल्टी है रियल लाइफ में कि बुशी को लगता है कि मैं उसके एंटोराज में, एंड इट इज द अदर वे अराउंड, नहीं तू मेरे एंटोराज में, लेकिन बुशी को लगता है मैं उसके एंटोराज में हूँ, वो हीरो है और वो मुझे ऐसे ही ट्रीट करता है, तो शो के पहले मुझे मनाना पड़ता है प्लीज यार पुणे शो है चल यार मैं अकेला नहीं। और अभी क्या हो गया, क्योंकि शो हिट हो गया तो अभी क्लाइंट मुझे बहुत इजीली एक और टिकट दे देता है, इवन आउट ऑफ स्टेशन है चेन्नई भी जाना हो तो फिर मैं खुशी का स्केड्यूल मैं बनाता हूँ, यार ये दिन फ्री है प्लीज यार 3 दिन तो चल ले यार, तो फिर बाकी जो 3 दिन है मैं बाकी फ्रेंड्स को भेजता हूँ यार मेरे पास एक और टिकट है और ये 3 दिन मैं बाहर हूँ कौन फ्री हो प्लीज चल लो यार। ये काफी स्वीट और काफी लोनली। हाँ क्योंकि यार आप अकेले क्या करोगे यार, वो जो है और बुशी का जो कैरेक्टर है जो लोगों को ये वाइल्ड लगता है कैरेक्टर है, रियल लाइफ बुशी इससे 10 times वाइल्ड है, उसकी जो स्टोरीज हम नहीं लिख पाए क्योंकि लोगों को लगेगा कि शायद राइटर्स ही गांजा बोल रहे हैं, पागल है, क्योंकि जब मुझे पहली बार इन्होंने कहानियां सुनाई थी उन्होंने, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये झूठ बोल रहे हो आप लोग, ऐसा इंसान नहीं हो सकता दुनिया में जो ऐसी हरकतें करे, नहीं मतलब दादर स्टेशन पर कोई गुलाब जामुन नहीं बेचेगा, हाँ मतलब दादर स्टेशन पर गुलाब जामुन बेचा उस आदमी ने, एक दिन उसकी मम्मी ने उसको ताला मार दिया, अभी आईएएस का एग्जाम था तो ऐसे ब्रेक ले रहा था कि तू जॉब नहीं कर रहा क्या, जॉब ले वापस, तो बुशी का दिमाग खराब हुआ, वो उल्लासनगर गया, वहां से उसने 300 गुलाब जामुन खरीदे और दादर के स्टेशन पे गया जो वहां के हॉकर्स थे उनके साथ में अपना ठेला लगा के उसने गुलाब जामुन बेचे 3 दिन, फिर 4th दिन उसको वहां से भगा दिया क्योंकि बाकी वेंडर्स ने कंप्लेन किया कि इसका लाइसेंस किधर है, तो हवलदार आ गए, ये वो असली कहानी है, ये कहानी मुझे कैरेक्टर में डालने के लिए ये सब कहानियां बताई जाती, तो मैं कैसे करूँ ये, कहां से लाया मोटिवेशन आदमी में, तो ये मैं तो मतलब नहीं वो बहुत ही स्वीट और नॉर्मल है लेकिन कुछ भी कर सकता है, मुझे ऐसा लगता था कि मैं अब नॉर्मल हूं लेकिन ये सुन के मैं समझ नहीं मैं बहुत, और अब ऐसी स्टोरी आप जनता को अगर दोगे तो उनको लगेगा कि राइटर्स गांजा फूंक के कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये तो क्या चल रहा है, हमारे राइटर्स गांजा नहीं फूंकते बाय द वे, बोल देता हूं ये बात, ये प्लीज सिर्फ एक्टर्स, सिर्फ एक्टर्स, आई डोंट बिलीव इन मेथड एक्टिंग। सो स्पीकिंग ऑफ मेथड एक्टिंग, द स्टोन सीन व्हिच इज फकिंग एपिक, were you guys really, how stoned were you really? So batao, this one was, look at this, no I mean main stoned nahi tha, bahut hi bada jhoot hai, nahi main batata hu, main jhoot nahi bolta, main bata raha hu, mere ko pata hai main ha bolunga to janta wahan pe comments karegi great one, lekin main fir bhi bata raha hu kyunki jab humne rehearsals ki thi tab humne jo rehearsals hote the hamare acting workshops shoot ke pehle usme ek din jab humne ye scene rehearse kiya tha tab humne phuk ke rehearse kiya tha क्योंकि कुछ है नहीं और हमने फोन पे रिकॉर्ड कर लिया था, तो वी न्यू आर क्या कर रहे, सो वी न्यू आर रिएक्शंस, लेकिन जब शूट हो रहा था एक्चुअल, सो इट वाज लाइक द 10th डे ऑफ शूट, सो एज एन एक्टर मैं तो बहुत डरा हुआ था कि यार मेरे को बेसिक स्टेट में मैं दे दूं, कोई ऐसे नहीं हो कि हाँ कि कैमरा के सामने मैं अगर पैरानॉइड हो गया और फिर वो दिन वेस्ट नहीं हो सकता है, कि मेरे इतना एक्सपीरियंस वाला था नहीं, तो मैंने नहीं मारा था, लेकिन जो मोंटाज है जिसमें म्यूजिक के साथ है वो फिर हमारे डायरेक्टर ने एंड में बोला कि भाई मुझे डायलॉग वाले सारे पार्ट मिल गए, अभी मैं इसे मोंटाज शूट करूंगा, अब अगर मारना है तो मार लो, उसमें मैंने मारा था, लेकिन बहुत कसम से बोल रहा हूं मैंने बेसिकली स्टोनर वाले जो सीन्स थे उनको छोड़ के हर जगह मारा तो ये और ये हुआ ऐसे ही था, मतलब मुझे भी लगता था कि स्टोनर वाले सीन्स में तो मारूंगा मैं, लेकिन बाय चांस उसी टाइम गोलू पता नहीं किस एंग्री मूड में था, उसने बोला कि अभी शूट करना, बोला अरे यार लेट चल रहा है, मैंने रोल नहीं किया, और उस तो बेसिकली तो स्टोनर सीन में आपने देखा है वहां पे मैंने नहीं पिया है कसम से बोल रहा हूँ, और बाकी हर जगह मैंने
बाकी पूरे ये बिल्कुल ट्रू है और ये एकदम सच है. तो मुझे एक फ्रेंड मेरा, तो मैंने मारा नहीं था लेकिन मेरे पास वो रेफरेंस वीडियो था जो हमने जब ये बात कैसे एक्ट करता मैं कैसा हो जाता हूं जब मारता हूं जब, तो वो फिर उसको इमिटेट की कोशिश थी क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है एंड ही इज अ ह्यूज फैन ऑफ द शो. सो ही आई थिंक सॉ यू समवेयर और उसने कहा पक्का स्टोन था. मैं तो जाके आई वाज गोइंग टू से कि चलो डस डू यू गेट दिस अ लॉट कि अब ऐसे आप अपने हो चुके हो सबके, यू आर एवरीवन स्टोनर. मुझे वही लग रहा है कि एक होता है इसके पास हम शो सभ्य लोग भी आते होंगे कि भाई मतलब मैं यू नो सभ्य आदमी. मेरी तो आंखें बहुत वैसी हुई ठीक है, थोड़े डार्क सर्कल्स भी और आंखें भी बहुत भारी है, तो मेरे को तो स्टेज पे लोग ऐसे समझते हैं कि मैं दारू पी के ही चढ़ाऊँ या मैं गांजा मार के चढ़ाऊँ, लेकिन मैं कभी भी स्टेज पे नहीं जाता हूँ. शो के बाद डिपेंडिंग ऑन द शो कैसा हुआ है. मेरा सिंपल लॉजिक है कि तुझे आई एम श्योर कि दवा खानों में भी लोग पकड़ते होंगे, मुझे सिर्फ शराब खानों में पकड़ते हैं. मुझे डायलॉग्स ही वही है, तू बियर है, सड़क किनारे पे बोलता है मुझे यार क्या मजाक चल रहा है यार, मैं नहीं यार ऐसा नहीं. अरे मैं भी पुणे शो करने गया था तो मेरा शो हुआ, फिर मैं Q&A ले रहा था हार्ड रॉक कैफे में, तो वहाँ पे लोग पूछ रहे हैं यार भूषी भूषी आपका अलग ही क्रेज है यार. मैं वही तो कभी और शो के बाद में एक बंदा आया, उसने मुझे बोला सर मेरे पास ब्लैक विडो कुछ तो वहाँ पे शायद स्टफ का नाम है पुणे में, ब्लैक विडो या व्हाइट विडो पता नहीं कौन सी विडो है, बोले सर मेरे पास वो माल पड़ा है तो बता देना अभी क्या सीन है. ये काफी सही तो ये मेरे तो ये मेरे साथ हुआ है, तो मैं सोच रहा हूँ इनके साथ तो क्या बहुत ज़्यादा हो रहा है बहुत. But did you guys ever expect कि मुशी पर्टिकुलर दिस कैरेक्टर का इतने से वर्ल्डवाइड फेम? मतलब यार एक्सपेक्टेशन तो थी ऐसा ही होना चाहिए, मतलब अगर नहीं होती तो मतलब मैं डिप्रेशन में चला जाता. इस कैरेक्टर के बाद अगर आदमी नहीं कर पाया तो फिर मतलब बहुत बुरा होगा, बहुत सारी गलत चीजें करता है वो और उनको सेलिब्रेट करता है और कूल बनता है. एक होता है आपके पास स्क्रिप्ट मिलती है, सीन मिलती है, आप सीन पढ़ते हो, आप ना मोटिवेशन ढूंढते हो, आप एकदम कॉन्सेंट्रेट करते हो, फिर एक्टिंग करते हो. ये नॉर्मल प्रोसेस है जो ज्यादातर मतलब छोटे बड़े एक्टर हर काम में करता है. मेरे साथ होता था मैं स्क्रिप्ट पढ़ता था, हंसता था पहले खुद ही, दोस्त पहले हंसा पहले लाइन पर हंसा, बोले किसने लिखी है यार, किसने लिखी, बहुत फनी बहुत फनी है. तो आई बिकेम अ फैन ऑफ द कैरेक्टर एंड देन आई शुड परफॉर्म, सो आई वाज ऑलरेडी अ फैन ऑफ बुशी. तो वो जब आता है तो सारे क्रिएटर्स जो है वो अरे खुशी फैन, और मैं सोच रहा हूँ यार इसने मतलब इसने सिर्फ गांजा मारा है और ये बस लाइफ में कुछ करता नहीं, तो इसके मतलब क्रिएटर्स आके फैन कर रहे हैं जो जिनके फैंस घूम रहे हैं बाहर, और मैं सोच रहा हूँ ये क्या फैंडम है यार, मतलब ये कूल है. तो अब शो का सीजन वन हो चुका है रैप अप, तो ऑब्वियसली मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीजन टू, व्हाट्स हैपनिंग, व्हेन इज इट हैपनिंग? सो यार सीजन टू डेफिनेटली लिखो यार, नहीं नहीं यार लिखो, मैं बताता हूँ मुझे नहीं है कि नहीं, मतलब वो यार सीजन वन आप जब बिंज वॉच करते हो तो इट जस्ट टेक्स अप योर 2.5 hours, दैट्स इट. लेकिन दोस्त 2.5 hours फॉर अ क्रिएटर इट इज जो हमारा ऑनेस्टली टाइम लगा दैट इज 1.25 years, मतलब 1 साल और 3 महीने और 4 writers and that is without smoking up. और 4 writers थे, रोज 12 से 9 की सिटिंग होती थी उसमें यार, तो इतना टाइम लगता है क्योंकि 10 महीने सिर्फ लिखने में लगे और जो फिनाले था उसको हमें क्रैक करने में 4 महीने लगे. और येट जो हमारे डायरेक्टर है और अरुणाब का भी बहुत इसमें क्रेडिट दूंगा कि इवन दो इज द मेन गाय, उन्होंने कभी प्रेशराइज नहीं किया कि यार ठीक है 4 episode क्रैक हो गए, 5वें में 4 महीने क्यों लग रहे हैं यार, नहीं यार आइडिया तो 1-2 महीने में रैप करो यार, इट इज बिकॉज टाइम इज मनी, एक इतनी बड़ी कंपनी है. लेकिन TVF में ये बड़ा सही है कि यार एज ए क्रिएटिव अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो एज ए क्रिएटर के यार ये सही प्रोडक्ट नहीं, तो दे विल गिव यू टाइम, कोई बात नहीं. तो 8 महीने वो, फिर 2 महीने का शूट और उसके बाद में 3 महीने की एडिटिंग. तो हमारे डायरेक्टर गुलानी तो भी जस्ट 5 दिन पहले फ्री हुए बिकॉज ही वॉज ऑल्सो इन द एडिटिंग स्टेज उस पर भी. तो यार 12 महीने लाइफ के दिए हैं, तो अभी 6 महीने तो मैं सिर्फ चिल मारूंगा, सिर्फ लाइव शोज करूंगा. आप मुझे इतना मिस कर रहे हो तो प्लीज मेरे लाइव शोज में आओ देखिए. Well, for me, so basically as an actor, and you basically whatever you do becomes famous. Like they are also chalo. Sari one-liners inke baare mein. Haan, sare one-liners. Best lines. Haan, matlab main mujhe bas maza aa raha hai. I'm just having fun because obviously like you know now you go to pubs everywhere. Like pehle bhi hota tha, pehle bhi tu beer hai was famous. So haan, matlab Kodai Kanal mein main apni biwi ke saath ghoom raha hu. 15 engineering ke bachche aa rahe, ye tu beer hai, bola haan, tum isse beer ho. So ये सब बहुत हुआ है मतलब तमिलनाडु में इधर उधर हर जगह. तो
फ्रांस से जर्मनी कहाँ गए? हाँ तो ये कमाल की बात है कि मैं एक बड़े ही पैरेलल आर्ट फिल्म, मतलब उसमें मैंने काम किया, बहुत इंटेंस रोल था और मैं स्टटगार्ट जर्मनी में था, वहाँ पे फेस्टिवल में वो क्या बोलते दिखाई जा रही थी और मैं, अब मुझे क्या मतलब, मैं भैया छोटा सा एक्टर जो वहाँ पे गया हुआ है ऐसे देखना, चार इंडियन ऐसे देख रहे हैं मुझे, मैंने बोला क्या भाई इंडियंस को ऐसे देखते हैं, हेलो इंडियंस ही, उन्होंने हेलो, मैंने ऐसे हाथ में तो बोला तू भी है। आई वाज सो शॉक्ड बिकॉज़ आई एम लाइक कि यार ये जगह नहीं लग रही है यहाँ पे, मतलब जर्मनी में लोग जानते तो फिर तो मतलब मैं बड़ा आदमी हूँ भाई। नो बट आई जस्ट आई थिंक लव्ड इट बिकॉज आई वॉज वेरी हैप्पी विद दिस कॉमेडी, बिकॉज़ आई हैव बीन डूइंग ओनली इंटेंस antagonist roles in whatever films which is lined up for this year, but this was the only funny part which I've done after a long time, so it was really good. And to get so much recognition. Yes, 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 totally. Bonus Bravi points. Exactly. मेरे साथ यार like मेरे को नहीं पता था कि मैं अच्छा एक्टर हूँ क्योंकि मैं जब कॉलेज में करता था मैं बहुत सिटकॉम वाली एक्टिंग करता था। But you were also playing yourself. Like when I met you right now, मैं वही बता रही थी आपको तीन चार बार कि you are the same person. मतलब वो बट स्टिल यार लेकिन मैं बताऊं मैं चीज बोलूंगा एज एन एक्टर, मुझे लगता है कि टू प्ले योर सेल्फ ना इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। आप कैरेक्टर को कर लोगे कुछ ना कुछ, बॉडी लैंग्वेज पकड़ के कर लोगे, लेकिन अगर मुझे बोलेगा कि जस्ट प्ले योर सेल्फ, आई बी लाइक अरे यार कैसे करूं, क्योंकि आई डोंट इवन नो हु आई एम। नहीं नहीं बटाइम्स नो आई नो आई नो उसमें भी ये कि आई एम प्लेइंग मायसेल्फ बट उसके अंदर मेजरली आई हैव जस्ट कवर्ड द गुड पार्ट्स ऑफ मायसेल्फ, तो मैं रियल लाइफ में इतना स्वीट नहीं हूं। अरे बैड पार्ट्स भी है जो आगे हम कवर करेंगे, मतलब नहीं मैं एक मिनट में बोल देता हूँ इसके बारे में, सिर्फ रियल लाइफ का एक टर्म यही है, विपुल गोयल इज बेसिकली ऑनेस्ट मॉडेस्ट बुली। ये आदमी जितना बुली करता है ना सबको, बुली नहीं है वो कॉमेडियन है, तो आप किसी का भी ब्लफ कॉल आउट करते हो तो आप उसको ब्लफ नहीं है सर, आप बेइज्जती करते हो लोगों की, मैंने देखा है। एंड उसका मेन क्रेडिट आई वुड गिव इज टू आवर डायरेक्टर अमित गुलानी और भाटू और द्विजेश आनंद जो लियो जो जिसने वेटर का रोल किया है आनंदेश्वर लियो जिसका भी याद हो, क्योंकि यार जब आप एक्टिंग करते हो ना तो आपको ऑनेस्टली पता नहीं चलता कि क्या आ रहा है चेहरे पे, ये वो लोग मॉनिटर पे देखते हैं एंड तो उनको पता है कि हाँ ये एक्सप्रेशन करेक्ट है ये वो है, और प्लस दे आर ऑल्सो वो कंटिन्यूटी भी देखते हैं कैरेक्टर की कि यार छः दिन पहले इस, क्योंकि शूट एपिसोड वाइज नहीं हुआ है, शूट लोकेशन वाइज हुआ है, पहले घर के सीन हो गए फिर मॉल के हो गए फिर वो हो गए, तो वो लोग कैरेक्टर कंटिन्यूटी और वो बताते कि नहीं उसमें ये दिया था तो ये कैरेक्टर के साथ नहीं जाएगा, तो थोड़ा सा कैरेक्टर को फिक्शनलाइज किया है, मतलब बेसिक टोन और रिदम तो बोलने का वही है क्योंकि इतना मैं अच्छा एक्टर नहीं हूँ कि मतलब सब कुछ चेंज करूँगा, तो ये उस वाइज बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस था और फिर मतलब एक्टिंग की बहुत तारीफ हुई तो मैं बड़ा सीधा कि हाँ यार सही है। नहीं आई एम नॉट अ स्टार एट ऑल, इसका ये हुआ है नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, तो व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज लाइक मैं पहले शो करता था, मैं तो 6 साल से स्टैंड अप कर रहा हूँ 2010 से, लेकिन तब नॉर्मली जो शो में 60 से 100 लोग होते थे जिसमें 20-30 मेरे नाम पे आते थे, 20-30 दूसरे कॉमिक के नाम पे आते थे और 40 उस वेन्यू के नाम पे आते थे, लेकिन अभी मैंने 2 शो किए वेब सीरीज के बाद हार्ड रॉक कैफे पुणे और गुड़गांव में, और इट वॉज ओवर पैक्ड कैपेसिटी के ऊपर था, 720 लोग थे पुणे में ऑन अ मंडे एंड आई कुड फील द लव यार, मतलब जो लोग आए उसमें से यार मैंने 90 मिनट सिर्फ फोटो खिंचाए शो के बाद, लोग 1.5 घंटा रुके, मतलब बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था कि मेरा वेडिंग रिसेप्शन चल रहा है बस कोई लिफाफा लेके नहीं आ रहा है, लिफाफा पहले ले लिया शो के वही कह रहा ना, he can feel the love, I can feel the रोकड़ा। तो वो हुआ है और अभी मैं और शोज कर रहा हूँ तो वो लाइव में, सो आई हैव सीन दैट टिकट सेल्स कन्वर्ट। दूसरा एक बहुत अच्छी चीज हुई है क्योंकि रंजीत वालिया का जो कैरेक्टर बहुत हिट है और वो हमेशा विपुल को विपुल सर बोलता है, तो जो भी मुझसे मिलने आता है ना वो बाय डिफॉल्ट सर बोल देता है विपुल सर, तो बोला यार ये सी रिस्पेक्ट है यार कि विपुल सर बाय डिफॉल्ट लोग लगा लेते हैं, ये अच्छी मतलब हाँ तो ऐसी इज्जत हो गई। और टिकट सेल्स में आई कुड सी द कन्वर्जन एंड आई कुड सी कि पीपल आर देयर फॉर मी, क्योंकि मैं स्टेज पे जाके मैंने हार्ड रॉक कैफे में एक्सरसाइज की थी, मैं जैसे स्टेज पे गया मैंने पहली लाइन ये बोली रंजीत वालिया स्पीकिंग और अप्लॉज ब्रेक था, मतलब मैं समझ गया सिर्फ फैंस ऑफ द शो आए। क्वालिटी एंड द कंटेंट ऑफ दिस शो इज सो डिफरेंट फ्रॉम यू नो द काइंड ऑफ शोज वी हैव ऑलरेडी मेड एंड ऑल दैट, एंड ऑल्सो नए एक्टर्स को इतना मोटिवेशन चाहिए होता है फ्रॉम यू नो फ्रॉम पीपल फ्रॉम ऑडियंस टू यू नो डू कीप डूइंग बेटर वर्क, सो आई थिंक दैट इज व्हाट हैज हैपेंड नाउ, नेक्स्ट टाइम इट विल कम ऑन कैमरा एंड एक्ट किल इट, मतलब ये पुल ऑफ हो गया, लेकिन इट वाज अ वेरी एक्सपेरिमेंटल रिस्की शो क्योंकि एक तो कोई स्टार नहीं था, सारे नए फेसेस थे, इनका पिक्चर तू बियरे वाला पॉपुलर था लेकिन वो भी 5 मिनट का ही था पिक्चर,
तो और ये है कि यार अगर जैकी बगदानी अच्छी एक्टिंग नहीं करेगा तो नसरुद्दीन शाह कुछ भी कर ले, जनता को फर्क नहीं पड़ता, वो पिक्चर नहीं चलेगी। तो आप लोग सब क्लियर थे कि अगर मैंने सही नहीं किया तो रसिका कुछ भी कर ले, बिला कुछ भी कर ले, इनका थिएटर बैकग्राउंड गया बाढ़ में, पिक्चर नहीं चलेगी। सो पूरा मेरे पे, हाँ, तो वही था कि वो पुल ऑफ हो गया। और ये बगदानी में नया शर्मा काफी रेंज आप एपिसोड्स में देखो तो जो हमारे डायरेक्टर ने काफी रेंज वाले एपिसोड्स है, मतलब मेरा पति एक अलग रेंज है, फोर्थ इस पूरा स्टोनर हमने जो हैंगओवर वाला अटेम्प्ट किया, फिफ्थ वाला पूरा, फिफ्थ वाले एंडिंग बिल्कुल ऋषिकेश मुखर्जी वाली दी है। फाइनली वो तो मिल पाई पार्किंग नहीं क्या, वो सीजन में चल जाएगा, वो करेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर जॉइनिंग इन, एंड इफ यू मिस वाचिंग इट लाइव यू कैन वॉच द होल थिंग ऑन YouTube, एंड बाय करते सबको, बाय बाय, थैंक यू मिस मालिनी फॉर हैविंग अस। अरे दो भाई पेपर दो।